शिखर, कुछ पता चला? क्या? तोलानी साहब लोनावला से लौट रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। क्या? आज ही हमारी फिल्म शुरू होने वाली थी, पर अब। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फिल्म की पूरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। नहीं नहीं, इतने सारे पैसे मार्केट से उठाना, उसका व्यवहार करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अब ये फिल्म नहीं बनाऊंगी, सॉरी शिखर जी। भाभी जी, ये पिक्चर बनेगी, पैसा मैं लगाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? और वो भी तोलानी साहब के बैनर में ही बनेगी। आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा मैं लगाऊंगा। मुनाफा हुआ ना तो आपका हिस्सा, और नुकसान हुआ तो पूरा मेरा। आपको कोई एतराज है? नहीं। मेरे हंसराजवाड़ी चाल के वासियों, आज मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैंने फैसला ये किया है कि मैं ये चाल बेचकर यहाँ मॉल बनने दूंगा। मुबारक हो, पैदा होने के बाद आज पहली बार कांति ने कुछ अच्छा काम किया। वज्रदंती, तू चुप बैठ। ये देखो, ये मॉल के बदले में आप सबको अपनी खोली के 68 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन वो पैसा मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। ओए कांति, तुझसे अभी पैसा कौन मांग रहा है? तू आराम से कल सुबह दे देना। पैसा 8-9 महीने के बाद बिल्डर जब ये जगह खाली करवाएगा तब मैं दूंगा, लेकिन तब तक मैं ये पैसा शेखर जो फिल्म बना रहा है उसमें लगाना चाहता हूँ। शेखर की फिल्म का प्रोड्यूसर अचानक गुजर गया है, तो मैंने इसलिए फैसला किया है कि यह पैसा मैं लगाकर प्रोड्यूसर बनूंगा। अगर किसी को एतराज है तो अभी अपना हाथ ऊपर उठाओ, उसको मैं उसका पैसा दे दूंगा। मालूम था मुझे तुम लोगों का, मालूम था। ए, तेरा चेक रखा है रेडी, तू लेके जाना। ये कांति भाई, अपना पैसा बोले तो रख तेरे पास। हाँ, अगर तुमको शेखर भाई पे भरोसा है तो हमको नहीं है क्या? मेरा पैसा भी लगा दू दाव पे, मैं भी शेखर भाई की फिल्म का प्रोड्यूसर। शेखर भाई पे हमें भी भरोसा है, और मैं भी प्रोड्यूसर।